बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एक्सपो। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा चिकन पुलाव, तो चलें शुरू करते हैं। स्टोव को ऑन कर लेते हैं। हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 3/4 कप ऑयल का ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज का प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। उसमें अब हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जो कि मैंने वीडियो में मेंशन कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब उसको अच्छी तरह भूनेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने तक प्याज को भूनते रहेंगे, जब तक ब्राउन नहीं, जब इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए प्याज, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे, कवर कर देंगे उसको, और थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे कि पानी खुश्क हो गया होगा। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। मैंने हाफ के जी चिकन लिया है 500 ग्राम्स, उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक वाइट वाइट कलर नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। चिकन को अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, जो कि 2-3 टेबलस्पून है। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के जो मैंने टमाटर थे वो काटे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी और लिड लगा दूँगी ऊपर से। अब ढक्कन उठा लेंगे। टमाटरों ने जो पानी छोड़ा था वो मैंने अच्छी तरह से खुश कर लिया है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और एक टेबलस्पून सुरख मिर्च का, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून क्रश्ड काली मिर्च का डाल देंगे। मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड कर ली हैं। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि चिकन में सारी स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है। मुझे ब्लैक पेपर डालना भूल गया था, तो मैंने अब ऐड किया, तो आप स्पाइसेस के साथ ही ऐड कर लीजिएगा। मेरा चिकन अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें 5 टेबलस्पून फेंटी हुई दही ऐड कर दूंगी, और जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक इसको भून लूंगी अच्छी तरह से। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून इमली का पानी ऐड कर दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब 1 मिनट तक के लिए भून लूँगी, और इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। जितने के मैंने चावल लिए हैं 500 ग्राम, आधा किलो, और उसमें मैं पानी ऐड करूँगी 700 ml पानी, और जो कि मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं 3 सब्ज़ मिर्चों को ऐड कर दूँगी, जिनको दरमियान से मैंने कट लगा लिया था। अगर आप इनको इस टाइम पे ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। मैंने 1 घंटे से चावलों को भिगो के रखा था, और इसलिए मैंने 700 ml पानी डाला है। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे।
थोड़ी देर बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। नॉर्मल टू मीडियम आंच को कर लें और चावलों को बार बार चेक करते रहें ताकि उनका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने वाला है बिल्कुल चावलों का, बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया चावलों में। जब एक कनी रह जाए चावलों में तो हम उसको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब बिल्कुल चावलों का पानी खुश्क हो गया है, एक कनी हो गए हैं चावल, अब हम इसमें दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आंच को बंद कर लें और दम को खोल। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा चिकन पुलाव रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और प्यार बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।